हाय गाइस, न्यूज़ ब्रदर। तो हम बात करने वाले हैं असम के बारे में और असम के सिलचर शहर में होता क्या है कि वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस कई सारे लोग लेने आते हैं और वहाँ पे अचानक से दोपहर के टाइम में आग लग जाती है और जिसके कारण से कई सारे लोग को मुश्किलों से सामना भी करना पड़ता है। जबकि यह बताया जाता है कि जब कंप्यूटर क्लासेस में जब बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे, लगभग फोर्थ फ्लोर में वहाँ पे आग लग चुकी रहती है। यह भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं ना, वो पाइप के द्वारा नीचे आते हुए नजर आते हैं। जबकि वहाँ के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया गया था और फायर ब्रिगेड पहुंचती है, वो सारी चीजों को सही से आग को बुझा देती है और वहाँ पे जितने स्टूडेंट है उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो यार, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। तो देखिए, कई सारे लोग वीडियो देखते हैं ना लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं एक वायरल गर्ल के बारे में जिसका नाम नैन्सी त्यागी रहता है। लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो जो कि बेहद ही ज्यादा वायरल जा रही है और उसमें उनका एक इंटरव्यू आउट होता है और वो बताते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसे हो जाएगा उनके साथ। नैन्सी त्यागी जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं, जो कि फैशन डिजाइनर बताती हैं, लेकिन होता क्या है कि वो लगभग एक कपड़े बनाती हैं, लगभग 1000 मीटर के आसपास रहता है और वो अपनी ड्रेस को पहनकर वो पहुंचती है। ब्लू टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल होते हुए नजर आती है। कांस फिल्म फेस्टिवल का एक हिस्सा भी बनते हुए नजर आते हैं। छोटी सी क्लिप है जिसे आप देख सकते हो, हालांकि उनका एक इंटरव्यू आउट होता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ड्रीम भी नहीं था इतना बड़ा, तो जिधर मैं अभी खड़ी हूँ। और व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? अब क्या पहने हो? ये आउटफिट मैंने खुद ही बनाया है, ये मेरा ही डिजाइन है और एक महीने में मैंने इसको बनाया है। हजार मीटर फैब्रिक में बनाया है। और ये आपने कितने टाइम में बनाया? एक महीने में। लेकिन उनका एक सपना पूरा हो जाता है। तो यार, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। हम बात करने वाले हैं मनोहर पारखी के बारे में और अभिषेक कुमार के बारे में, जो कि दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। हालांकि ये स्टोरी पोस्ट करते हुए मनोहर पारखी देखने को मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से फाइट करते हुए नजर आते हैं और वो बोलते हैं कि कौन जीता करके। यार, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो शायद से बिग बॉस के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। छोटी सी क्लिप है ना, इसे सुन सकते हैं। भाई मैं जीता हूँ यार, मैं जीता हूँ भाई, मैं जीता हूँ। तीन महीना भाई बाहर निकलते ही मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना भाई, तू इंटरव्यू देख जाके यार। अरे इंटरव्यू छोड़, तेरी बातचीत ना पूछ, तेरी भी तो बातचीत है, जाके बात करना उससे। अरे मैं जीता हूँ यार, मुझे पैसे भाई, मेरे को पैसे मत दे अभी से। और वहीं पे अभिषेक कुमार एक स्टोरी पोस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि वो ना मेरे साथ इस नए सफर में। तो अभी देखने को मिलता है कि खतरों के खिलाड़ी में अभिषेक कुमार शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी अनाउंसमेंट की जा चुकी है खतरों के खिलाड़ी की और उसमें देखने को मिलते हैं कई सारे लोग। शालिन भी देखने को मिले हैं, अभिषेक कुमार भी देखने को मिले हैं, लेकिन उसमें और भी कई सारे लोग भी देखने को मिले हैं। लेकिन काफी सारे लोग का यह मानना है कि इसमें आसिम रियाज का भी देखने को मिल सकता था लेकिन वो नहीं दिखे। हालांकि हो सकता है किसी रीजन से ना देखने मिले, तो हो सकता है या फिर उनका नाम ही ना हो आसिम रियाज का। तो यार, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में और थारा भाई जोगिंदर एक वीडियो अपलोड करते हैं ध्रुव मराठी के अगेंस्ट। जबकि ध्रुव मराठी गवर्नमेंट पे कई सारे वीडियोस बनाते हैं लेकिन उसी चीज को देखते हुए थारा भाई जोगिंदर बेहद ज्यादा एंग्री देखने को मिले और वो बोलते हैं ध्रुव मराठी तुमने जो इतना भी वीडियो बनाया वो बेहद ज्यादा गलत है। वो क्या कहते हैं, छोटी सी क्लिप सुन सकते हैं। जय ध्रुव मराठी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम कर रहा है। इसका मानना यह है कि मोदी जी ने बहुत फ्रॉड किया है हिंदुस्तान के अंदर, जो कि ये यूट्यूब पर रोज वीडियो बना के डालता है। बट मैं हिंदुस्तान के भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूँ। जबकि यह बताया जाता है कि ध्रुव राठी जितने भी वीडियो बना रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ बना रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। और भारत की जो जनता है उनसे भी ये अपील करते हैं कि उनके वीडियो को ना देखें। जब बात कर रहे हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में तो वहीं पे बात कर लेते हैं अभिषेक मल्हान के बारे में, यानी कि फुकरा इंसान के बारे में। जबकि फुकरा इंसान पे कल के दिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है और ये बताते हैं थारा भाई जोगिंदर कि वो कितना नकली आदमी, कितना फेक आदमी है। और यहीं पे बात करते हैं पूनील सुपरस्टार के बारे में। जबकि पूनील सुपरस्टार उनके कई सारे पोल वगैरह खोलते हुए नजर आ रहे थे, बोल रहे थे किस तरीके से उनको फोर्स किया जा रहा था पूनील सुपरस्टार को कि वो कुछ अपने तरीके से बात करे, अपने तरीके से वो अपना काम करे बिग बॉस OTT2 में। जबकि इसी के उल्टे कारण की वजह से बिग बॉस OTT2 से उन्हें निकाल दिया गया था और उस वक्त ज्यादा कोई खास ओपिनियन देखने को नहीं मिली थी। लेकिन यह चीजें कल की वीडियो में देखने को मिली थी। क्या कहते हैं थारा भाई जोगिंदर अभिषेक मल्हान को, छोटी स्क्रीन पे सुन सकते हैं। इंसान तेरी जली ना, चल तेरा इतिहास बताता हूँ आज। अपना यूट्यूब चैनल खोल और नीचे की वीडियो जाके चेक कर, तूने थारा भाई जोगिंदर के नाम पर कितनी वीडियो अपलोड की हुई है। तूने मेरे ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाला,
ताकि तू फेमस हो जाए इंडिया के अंदर। तू बिग बॉस गया, उससे जाने से पहले तूने मेरे को कितनी कॉल की, जोगिंदर भाई मेरे को तुमसे मिलना है, मेरे को तुम्हारे साथ वीडियो बनानी है, तुम पैसा बताओ। मैंने तेरे को क्या बोला, मेरे को तेरे साथ कोलैब नहीं करना। तू बिग बॉस जा रहा था, मेरे को पता था, मैंने तेरे को कॉल करके पूछा कि भाई बिग बॉस जा रहा, तूने बोला नहीं। मैंने बोला तू जा, तू बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा गेम खेलेगा। और बिग बॉस के जाने से एक दिन पहले भी मैंने तेरे को आगे से कॉल करके यही बोला था कि भाई तू जा, तू मना क्यों कर रहा है। और बिग बॉस के आने के बाद तेरे को ऐसा लगने लग गया कि तू बहुत बड़ा स्टार बन गया। तू थारा भाई जोगिंदर के सामने कभी भी स्टार नहीं बन सकता, तेरे को 20 साल लग जाएगी फिर भी थारा भाई जोगिंदर जितना नाम नहीं कर पाएगा भारत के अंदर। मैंने लोगों की मदद की है, मैं पहले भी लोगों की मदद करता था, मैं आज भी लोगों की मदद करता हूं। तुम्हारे घर तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे फैन तुमसे मिलने के लिए आते हैं, तुम्हारे पापा उनको वहां से भगा देते हैं। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, पूछ अपने पापा से जाके। तुम्हारे गली का जो गार्ड है उसके खुद के वर्ड है कि इन लोगों के अंदर बहुत घमंड है, ये लोग मेरे को खुद बोलते हैं कि हमारे घर कोई नहीं आना चाहिए। अबे जिन लोगों ने तुम्हें स्टार बनाया, जब तुम उन लोगों से नहीं मिलते तो तुम अपने आप को स्टार कैसे बोल सकते हो। यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो पढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं चार धाम यात्रा के बारे में, और यह बताया जाता है कि चार धाम की यात्रा जो कि शुरुआत हो चुकी है, लोग वहां पे यात्रा के लिए निकल चुके हैं। लेकिन यह एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे पहले ज्यादा वायरल जा रही है, और उसमें यह देखने को मिलता है कि कई सारे लोग बस से ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक बस ड्राइवर ने उस चीज को रिकॉर्ड करता है और सामने देखने को मिलते हैं कि दो बसें रास्ते से गुजर रही थी और किस तरीके से वहां पे एक्सीडेंट देखने को मिलता है। हालांकि कई सारे लोग वहां पे ट्रेवल तो कर ही रहे थे लेकिन वैसे कोई खास चोट नहीं देखने को मिली। लेकिन यह घटना बताया जाता है कि उत्तराखंड के चमोली पुट साड़ी जो कि यहाँ की लोकेशन पे बताया जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, जबकि एक्सीडेंट हो रहा है लेकिन वहाँ पे कुछ यात्री बैठे रहते हैं उनके हल्के फुल्के चोट आते हैं। लेकिन ये सचेत किया जाता है कि यह पीछे की गाड़ी ने रिकॉर्ड किया है, और ये कैप्शन लिखते हुए बताया जाता है कि अगर कोई भी ड्राइवर ऐसी जगहों पे जाता है तो प्लीज ध्यान देकर ड्राइव करनी चाहिए। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो पढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में, और शाहरुख खान एक स्टोरी पोस्ट करते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि आप भारतीय नागरिक होने के मुताबिक आपको वोट करना चाहिए, और इस सोमवार को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और आपको अपने हक के लिए वहां पे वोटिंग करना होगा, लेकिन हित में ध्यान देते हुए उन्हें मतदान करता रहना चाहिए और उनका प्रचार भी करता रहना चाहिए। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो पढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। तो देखिए कई सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।